नमस्कार परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं सभी उपस्थित अतिथिगण और लाभार्थियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वंचित वर्गों का सशक्तिकरण 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अति आवश्यक है। आज का यह कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश के कोने कोने से लाखों लोग आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, विभिन्न राज्यों में माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय मंत्रीगण और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने हमारे वंचित वर्ग के सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और समावेशिता को प्राथमिकता दी है। मुख्य पहलों में हाशियों पर रहने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, बेहतर शिक्षा पहुंच के लिए अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा सीमांत वर्गों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की भी पहल की जा रही है। आज का यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए आसानी से ऋण के लिए एक परेशानी मुक्त तंत्र सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत पोर्टल सूरज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए 1,00,000 उद्यमियों को ऋण सहायता भी जारी की जा रही है। एक मूक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि बैंकों और राज्य चैनल भागीदारों के माध्यम से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 3 जो राष्ट्रीय निगम हैं उनकी ऋण सहायता योजनाओं के माध्यम से आज लगभग 660 करोड़ रुपए के कुल परिवार के साथ में 1,00,000 से अधिक लाभार्थियों को कवर करने का प्रस्ताव है। और आज यह कार्यक्रम देश के 525 जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के बाद लाभार्थियों को इसके बारे में कई क्षेत्रीय भाषाओं में थोक SMS संदेश भेजे जाएंगे। SMS संदेश के बाद लाभार्थियों को फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे वो अपना उद्यम शुरू कर सकें। इसके साथ ही साथ सफाई कर्मचारी समाज के सबसे वंचित वर्गों में से हैं, जिनके पास न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा है, जो अस्वच्छता और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं, जिससे खुद को जीवन का आसन्न खतरा होता है। समाज के इस विशेष वर्ग के सशक्तिकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से नमस्ते योजना, जिसमें आयुष्मान स्वास्थ्य कार्डों के वितरण के साथ साथ एक सुरक्षित वातावरण के निर्माण को सुनिश्चित करके देश भर में 1,00,000 सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करके भी अपने पंख लगाएगी। किसी भी श्रमिक वर्ग के लिए बुनियादी आवश्यकता के रूप में काम करने के लिए सीवर टैंक और सेप्टिक टैंक के श्रमिकों के लिए स्वच्छता के मशीनीकृत मॉडल को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी सफाई कर्मचारियों को PPE किट प्रदान की जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार करना चाहता हूं। उनका जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, उसमें हमारे हाशिए पर रहने वाले इन वंचित वर्गों के लिए तरफ भी इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको अपना काम प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। एक विकसित भारत जहां कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। हमारा ध्यान हमारे समाज के सर्वाधिक लाभ वंचित वर्ग के लिए नए अवसर पैदा करने पर केंद्रित रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें तथा राष्ट्र की प्रगति में बराबर का योगदान दे सकें। भारत माता की जय। धन्यवाद मंत्री जी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग समाज के सभी वंचित वर्गों के उत्थान
एवं उज्जवल भविष्य के लिए कार्यरत है। आइए इस पर एक लघु फिल्म देखते हैं। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत मेरा परिवार। जब पूरा देश ही एक परिवार होता है तब कहां कोई छोटा या बड़ा होता है। परिवार में तो अगर कोई कमजोर रह जाता है तो उसे ताकतवर बनाने में हर सदस्य जुट जाता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एकजुट होकर चल रहा है। देखिए, जब देश ने गरीब परिवारों से भी उद्यमी बनाने की ठानी तो मुद्रा योजना का जन्म हुआ और इस क्रांति की भागीदार आधे से ज्यादा बेटियां बनी, और वो भी पिछड़े वर्गों की। जब देश ने गरीब की थाली की चिंता की तो 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त अनाज मिलने लगा। जब देश ने गरीबी को हराने की ठानी तो 4 करोड़ से अधिक पक्के आवास और 12 करोड़ से अधिक शौचालय बना दिए, 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 33 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड पहुंचा दिए, और सिर्फ 9 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर दिखाया। पहली बार देश ने केवल 10 साल में SC और OBC विद्यार्थियों को 47,500 करोड़ रुपए की विशाल छात्रवृत्ति दी। पहली बार देश की आंखों ने ट्रांसजेंडर्स की दुविधा देखी और उनके लिए अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया। जिनका कोई ठिकाना न था, भटकना ही जिनका जीवन था, ऐसे लोगों को भी नए भारत की नजरों ने ढूंढा और ऐसे विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए विकास कल्याण बोर्ड बनाया। 10 साल पहले अनुसूचित जाति के लिए जो विकास फंड 41,500 करोड़ रुपए के करीब होता था, वो आज 1,42,000 करोड़ को पार कर गया है। एक दशक पहले तक वंचित और पिछड़े वर्गों को सालाना 600 करोड़ तक के ही ऋण मिलते थे, जो कि आज 2 गुना यानी सालाना 1200 करोड़ रुपए से अधिक मिलता है। और इन फंड्स में से कई तो फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस्ड फील्ड्स में दिए गए हैं। मतलब कि पिछड़े वर्गों से आने वाले युवा आज नए भारत का उज्ज्वल कल लिख रहे हैं। लेकिन विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़े हैं तो इतने से आराम कहां? अभी तो हमें टेक्नोलॉजी के जरिए और अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचना है। तभी तो आज एक ऐसा पोर्टल बनकर तैयार है जिस पर जाकर देश के वंचित पिछड़े व्यक्ति रियायती दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। PM सूरज पोर्टल, यानी सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। न बैंक के चक्कर काटना, न किसी के आगे हाथ फैलाना। इस पोर्टल पर जाकर उद्यमी 15 करोड़ रुपए तक के व्यापार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल पर स्टार्टअप उद्यमी, इनोवेटर्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स या अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स में काम करने वाले रिसर्चर्स और रिसर्च स्टूडेंट्स भी 30 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता पा सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा PM सूरज पोर्टल का लोकार्पण हो रहा है। पोर्टल लॉन्च होते ही वंचित वर्ग के 1,00,000 बहन भाइयों को केवल 3-9% की रियायती दरों पर 5,00,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के किसी भी मिशन का सबसे खास हिस्सा होती हैं महिलाएं। PM सूरज की भावना भी ज्यादातर महिला उद्यमियों को प्रेरित करने की है, जिससे पिछड़े वर्ग की बहनें गरीबी और निर्भरता के अभिशाप से मुक्त हो सकें, अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। आज के इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी नमस्ते स्कीम के तहत सफाई मित्रों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स एवं PPE किट भी वितरित कर रहे हैं। वंचितों को बढ़ने का साधन मिल जाता है, पिछड़ों को पहली कतार में आने का अवसर मिल जाता है। यही तो होता है जब पूरा देश एक परिवार बन जाता है। सबका
सबका साथ सबका विकास, ये नारा नहीं, ये मोदी की गारंटी है। आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा पीएम सूरज पोर्टल का लॉन्च करेंगे, जिसके साथ ही 1,00,000 लाभार्थियों के मोबाइल पर ऋण राशि जमा होने की सूचना पहुंच जाएगी और 1,00,000 सफाई मित्रों को नमस्ते आयुष्मान कार्ड और पीपीई किट के वितरण का शुभ आरंभ हो जाएगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बटन दबाकर आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। अब माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े कुछ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले इंदौर मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां से श्री नरेंद्र सेन जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। आप बैठिए नरेंद्र जी, बैठिए, बैठ करके बात कीजिए। हाँ बताइए, पहले अपने विषय में बताइए, थोड़ा देशवासी जानना चाहेंगे। जी प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम नरेंद्र सेन है, मैं इंदौर से हूँ, इंदौर से गांव से हूँ, जो इंदौर में 97 में हम मूव हुए थे। और फिर मेरी रुचि सर साइबर कैफे पे काम करते करते कोडिंग सीख गया मैं, और मैंने इंटरनेट कंपनी बनाई, और हम अभी देश का क्लाउड, न्यू क्लाउड बनाया है हमने, जो देश में स्टार्टअप, एमएसएमई और लार्ज एंटरप्राइज को एम्पावर करेगा, हमारे देश का जो क्लाउड या डिजिटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है और फॉरेन क्लाउड ज़्यादा प्रचलित है। तो इसी को सोच के हमने बनाया कि हमारे देश के डेवलपर्स ने क्लाउड दूसरों के लिए बनाया, पूरी दुनिया को डिजिटलाइज किया, हमारे देश को डिजिटलाइज करने की जरूरत, हमारे देश का क्लाउड बनाने की जरूरत है, और इससे हमारी इंटरनेट कंपनीज को हम ग्लोबल ले जाएंगे, और इससे जो इकोनॉमी बेनिफिट होगा वो ज़्यादा काफ़ी हाई रहेगा, इसलिए हमने न्यू क्लाउड की शुरुआत करी और आज हम काफ़ी सक्सेसफुली इसको चला रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी लोग हमसे जुड़ गए हैं, कस्टमर्स हमारे जुड़ गए हैं, एमएसएमईज को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो ये हमारी जर्नी है। नहीं, नरेंद्र जी से नरेंद्र जानना चाहता है कि आपकी बचपन में कहाँ से कहाँ यात्रा चली, आप कैसे इस दुनिया में आ गए, थोड़ा बताएंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बचपन में जब मैं गांव में था तो गुजरात में आपका नरेंद्र मोदी सीएम है, तो कुछ दोस्त बोलते थे कि नरेंद्र मोदी आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया, इस टाइप से। और मैं आपके नाम का काफ़ी एडवांटेज भी लिया मैंने, बचपन में भी लिया और अभी भी लिया, कहीं पे भी जाए तो जैसे ही बोलता है नाम सर आपका, फिर मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी, तो मुझे एक बार देखते हैं और फिर हंसते हुए बोलते हैं कि अच्छा क्यों में रहते हैं। तो बट स्कूल में सर पढ़ाई करी मैंने 8 तक, फिर इंदौर आ गए, इंदौर में पढ़ाई करी 12वीं तक, उसके बाद ड्रॉप आउट ले लिया और पूरा टेक्नोलॉजी में कर लिया, टेक्नोलॉजी में काम किया। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पिताजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करते थे, और क्योंकि गांव से आप आए हो तो आप सबको काम करना पड़ता था, तो मैं भी काम करता था और मैंने वहीं पे मेरा कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट, मेरा एजुकेशन कॉमर्स में था बट टेक्नोलॉजी
में मेरा बहुत मन और रुचि जैसे आपकी रुचि है। और एक इंस्पिरेशन मैं आपको बताता हूँ, जब आप प्रधानमंत्री बने थे तब आपने नैसकॉम की इवेंट में बोला था कि देश को क्लाउड गोडाउन चाहिए, और उस समय मैं क्लाउड पे काम कर रहा था, तो मुझे एकदम मोटिवेशन आ गया कि ये सेम चीज़ इंस्पिरेशन मतलब इको हो रही है, प्रधानमंत्री जी भी वही बात कर रहे हैं, और ये एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि ये जो क्लाउड है ना, हमारे देश की डिजिटल इकोनॉमी और जो डेवलपर्स है, क्योंकि देश में बनाया नहीं किसी ने, क्योंकि इसके लिए बहुत कैपिटल लगता है, तो कोई हिम्मत नहीं करता कि यार नहीं ठीक है बाहर का मिल रहा है इसको यूज़ करो और आगे बढ़ो। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी है देश में, बट कोई इस पर आगे नहीं बढ़ा। बट आपकी जो प्रेरणा और इंस्पिरेशन से कहीं ना कहीं कोई गाँव में बैठा नरेंद्र इंस्पायर होता है, ये तो बात पक्की है, और वही मेरी ग्रोथ स्ट्रेटजी है सर। अच्छा नरेंद्र जी, आपको जो डेटा सेंटर व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरणा कैसे मिली वो तो आपने बताया, चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा होगा, टेक्नोलॉजी में सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी, वो कैसा रहा है? सर डेटा सेंटर बहुत ही एक्सीडेंटली मैं एंटर हुआ इसमें, क्योंकि मुझे पता होता कि इसमें बहुत सारा पैसा लगता तो मैं नहीं करता ये मैं बस एक जुनून था कि अमेरिका में मैं सर्वर खरीदता था और देश में स्मॉल बिजनेसेस को सर्विस देता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार हम लोग देश में बनाते हैं, अपना देश इतना बड़ा है, जरूरत तो पड़ेगी आगे ने पीछे। तो हमने जब चालू किया डेटा सेंटर तो एक घर से शुरुआत करी, हमारे एक ISP थे उनके घर से मैंने चालू किया, पहला सर्वर रखना, फिर दूसरा 10, 100, 200, फिर बाद में पता चला DP उड़ गई, तो पता चला पावर तो पूरा चला गया है, अब इसके लिए प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो फिर जब मैंने पढ़ाई करी कि यार सिंगापुर आयरलैंड ने डेटा सेंटर पार्क बनाए, क्यों नहीं हमारे देश में डेटा सेंटर पार्क होना चाहिए, और मध्य प्रदेश एक ऐसी लोकेटेड सिचुएशन में है कि सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ पर पावर सरप्लस है, तो ये डेटा सेंटर के लिए पर्याप्त फिट जगह है। तो मैंने ऐसे ही लेटर लिखा, क्योंकि आप किसी को जानते तो हो नहीं, नो आपके कनेक्शन है किसी मिनिस्टर से, तो मैंने IT सेक्रेटरी सर को मेल डाला, उस टाइम पे राव सर थे, तो उन्होंने बुला लिया, बोले आ जाओ। तो मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, पर ये बनाना और ये प्रॉब्लम है, ये देश की भी प्रॉब्लम है और ये मेरी भी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने वैलिडेट किया और कंट्री का पहला डेटा सेंटर पार्क बना, और उस दिन रियलाइज़ हुआ कि बिना पैसे के भी काम हो सकता है, जरूरी नहीं है आपके स्टार्टअप में पैसा जरूरी है, आप बस सही मन से लग जाओ। तो ऐसे मेरी चुनौतियों का सोल्यूशन भी यहीं मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया, और बहुत सपोर्ट मिला मुझे सरकार से, राज्य सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उस सपोर्ट के दम पे हमने हमारी जर्नी सर आगे बढ़ा दी। चलिए नरेंद्र जी, मुझे आपको बात कर करके अच्छा लगा, आपने काफ़ी योजनाएँ बनाई हैं और एक प्रकार से आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में किस प्रकार से प्रगति हो सकती है, और स्टार्टअप की दुनिया में आजकल जो हमारे नौजवान रुचि ले रहे हैं, और मैंने देखा है हर कोई साहस भी करता है और सफल भी होता है, आप भी उसी में एक उदाहरण हैं, और समाज में अति पिछड़े वर्ग में से पैदा होकर के, गांव में पैदा होकर के, थोड़ा सा अगर सहारा मिल जाए तो कैसा बदलाव आता है, वो आपने करके दिखाया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू। अब जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं, जहां से श्रीमती नीलम कुमारी जुड़ी हैं, जो कठुआ की निवासी हैं और इस समय जम्मू में हैं। नीलम जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। नीलम जी बैठिए, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नीलम कुमारी, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ और कठुआ ही रहने वाली हूँ। नहीं थोड़ा बताइए ना, कैसे आप क्या काम कर रही हैं? हाँ सर, मैं बुटीक का काम करती हूँ। साहब बुटीक अपना जो कुछ भी हो बताइए मुझे, कैसे शुरू हुआ, कैसे कहाँ बढ़ पहुंचे? सर पहले मैं किसी की दुकान पे काम करती थी, जो 2-3 हजार पे किसी के आगे काम करना, और फिर तब भी मेरे घर का गुजारा जो बड़ी मुश्किल से होता था, जो मेरे घर वाले जो लकड़ी का काम करते थे, कभी उनको काम मिलता था और कभी नहीं, जो
मैं काम बाहर दुकान पे करती थी, जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा वो काम भी छूट गया। वो भी घर पे थे, मैं भी घर पे थी, हम दोनों ही ऐसे हालात में पहुंच गए जहां हमें बच्चों का पालन पोषण तो दूर, हमारे घर में राशन की भी कमी आने लगी कि अब हम क्या करें। फिर ऐसा टाइम आया कि मेरी से मैं बहुत परेशान रहने लगी कि अब मैं क्या करूं, और काम इसका भी नहीं और मेरा भी काम छूट गया। फिर 2021 में मैंने जब लोन लिया और अपना खुद का बुटीक शुरू किया, लोन लेके पहले मैंने मशीनें ली, मशीनें और दुकान शुरू की, फिर मैंने आगे लड़कियों को रखा काम के लिए। नहीं, आपको अपना व्यवसाय शुरू करना है सर की, सरकारी योजनाओं को साथ किस प्रकार से आपका अनुभव आया, कितनी मदद मिली और मदद के लिए कैसे पहुंची आप? सर, मुझे सरकारी योजना भारतीय सरकार की ओर से सब योजनाएं मुझे मिली हैं, जैसे सिलेंडर की होगी, जहां मेरा जैसे कच्चा मकान था वो बना मेरा, फिर जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मिला मुझे आयुष्मान कार्ड से, फिर और शौचालय बना मेरे घर में, ऐसे एक से एक योजना मुझे भारत सरकार ने दी। अब पहले आप किसी के यहाँ काम करती थी, अब खुद की दुकान बन गई, तो आप तो एक बहुत बड़ा गर्व महसूस करती होगी। सर बहुत बड़ा, आज महिलाओं को खुद निर्बल हुई, मतलब निर्बल हैं हम खुद अपने ऊपर। चलिए, आप आत्मनिर्भर बनी है क्या? आपको किसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है जिसके कारण आपने इसकी यानी आपके व्यवसाय में लाभ हुआ हो? आपके जीवन में तो मदद की सरकार की योजनाओं का आपको फायदा हुआ है, लेकिन जो व्यवसाय का काम कर रहे उसमें कैसे मदद मिली? उसमें मैंने जैसे सर लोन लिया, लोन लेकर मैंने अपना बिजनेस जैसे शुरू किया। और कितने लोग अभी काम करते होंगे आपके पास? अभी सर मेरे पास 4 लड़कियां काम कर रही हैं। अच्छा, 4 लोगों को आप रोजगार देती है? जी सर, 4 लड़कियां काम भी कर रही हैं और उनका घर का परिवार भी पालन पोषण अच्छे से कर रही है, वो भी अब मेरे से कमा रही है। तो बहुत लोग भी मिल करने के लिए आते होंगे, भाई आप कैसे ऐसे आगे बढ़ गई, हमें भी बताओ, हम भी कुछ करें। लोग आते हैं आपके पास? जी सर, मेरे को पूछते हैं। कभी पहले छोटा छोटा कारोबार मुश्किल तो होती है हर काम में, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने दुकान शुरू कर दी, मेरे पास आज और कल और परसों और जैसे बदलता टाइम आगे आगे चलता गया। लोग मेरे से पूछते थे, आपने नीलम जी क्या किया जो आपको, मैंने बोला कि मैंने लोन लिया, लोन भी लिया और उसका मैंने पूरा पैसा जमा भी करा दिया जी। अभी कोई कर्ज है कि सब पूरा हो गया? नहीं सर, अभी थोड़ा अमाउंट रह गया। अच्छा, अभी थोड़ा बाकी है जी, बहुत दूंगी। अच्छा नीलम जी, आज जम्मू कश्मीर समेत देश के हर कोने में सरकारी योजनाओं का लाभ देश के नागरिकों को मिल रहा है, ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है कि जिनके बारे में पहले की सरकारें बातें तो बहुत करती थी, उनके कल्याण के लिए ऐसा ढुलमुल तरीका होता था, और वो भी कोई रिश्तेदार हो परिचित हो उन्हीं का हो जाता था, लेकिन आपने अपने बलबूते पर और वो भी प्रयत्न करके शुरू किया और आत्मनिर्भर बन गई। जी सर, आपकी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है। जिन्हें अब तक वंचित कहकर छोड़ दिया गया था, वो योजनाओं का सही लाभ मिलने पर क्या नहीं कर सकते, या देख रहे देखिए हमारी सरकार जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम आवास योजना और उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं से जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं समाज में, जिनको एससी एसटी ओबीसी पिछड़े और समाज में एक प्रकार से भाई ये काम तो इनके लिए नहीं ऐसा ही मान के चलते थे, उसमें जो बदलाव लाने का हमारा प्रयास है, और आपसे बात मुझे करके लगा कि हम सही दिशा में हैं और सही काम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, सर सब धन्यवाद देना चाहती हूँ हम अपने और अपने परिवार के बारे में।
अब महाराष्ट्र के अहमदनगर चलते हैं, जहां से श्री नरेश साहब राव अवचार जुड़े हुए हैं। नरेश जी नमस्कार। नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नरेश जी बैठिए। हाँ नरेश जी बताइए जरा। सर मेरा नाम नरेश साहेबराव औचर है, मैं महाराष्ट्र के रालेगन थिरपाल गांव से हूँ और मैं जल जीवन एग्रोटेक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। मैंने इसकी शुरुआत, मैं और अपने भाई दोनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करती थी। हमारी जो कंपनी है बेसिकली वो एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर पे काम करती है और हमारा एक ही मिशन है कि एग्रीकल्चर जो भी वेस्ट वाटर है उसको हमें बचाना है। इसके लिए हमें भारत सरकार की जो स्कीम है असीम अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन, इसके तहत मुझे 30 लाख रुपए की लोन राशि मिली है, जिससे मुझे मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। इसके लिए मैं अब भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा आप कहाँ किसानी और कहाँ कंपनी के मालिक बन गए, ये जरा यात्रा बड़ी गजब लग रही है भाई। सर मेरे पिताजी और माँ दोनों भी खेत में काम करते थे और मैंने उनको दोनों को देख काम करते देखा, मैंने भी अपनी और खेती में काम किया है तो उससे मुझे अनुभव मिला है कि खेती के काम कैसे होते हैं। सरकार से आपको क्या क्या मदद मिली? सरकार से मुझे आयुष्मान भारत कार्ड मिला है और राशन मिड डे मील का राशन के मिला है। नहीं इस व्यवसाय में, व्यवसाय में 80 लाख रुपए का जो लोन मिला इसके अतिरिक्त किस प्रकार से आपको आगे बढ़ने में सहायता हुई? इस लोन से मैंने पूरी मशीनरी वगैरह ली और वहां से अपना कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा आप अपने व्यवसाय के जरिए किसानों की मदद कर पाते होंगे तो वो कैसे करते हैं और भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? मैंने इसमें एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है जो सारे किसानों को बहुत फायदेमंद है और वो हर देश के हर किसान को वो अगर वो यूज करता है तो उसके काफी सारी जो वेस्ट वाटर है वो बच सकता है। तो आपने खुद ने इसको इनोवेट किया है, खुद ने बनाया इसको? हाँ ये इसको मैंने खुद बनाया है और इसके लिए मुझे भारत सरकार से पेटेंट मिला है। मतलब आप किसानी भी करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, एक प्रकार से आप तो पर्यावरण का भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। यस सर। अगर कृषि क्षेत्र में कोई उद्यमी आना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देंगे? मैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं इस नवीन जो भी नए उद्योजक है उनको बोलना चाहूंगा कि आप भी ऐसी स्कीम का बेनिफिट्स ले और अपना फायदा करें। चलिए नरेश जी मुझे कृषि से जुड़े कार्यों में लगे हुए आप जैसे युवाओं का उत्साह अपने आप में बहुत ही खुशी देने वाला है। आपकी यात्रा कई ऐसे युवाओं को प्रेरित करती है जो कृषि क्षेत्र में उद्यमी बनना चाहते हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मोदी जी और धन्यवाद भारत सरकार। नमस्कार। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, जहां से श्रीमती अदिपुरी मुथम्मा हमारे साथ हैं। मुथम्मा गारू नमस्ते। नमस्कार सर। बैठिए बैठिए मुथम्मा गारू बैठिए आप। अच्छा मैं हिंदी बोलूंगा, आपको साथ में जो बैठे हैं वो समझाएंगे और आपसे बात भी करने का मुझे मौका मिल जाएगा। वैसे तो अब हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए मेरे सभी भाषणों को आप अगर तेलुगु में सुनना चाहे तो मिल जाएंगे, कोई तमिल में सुनना चाहे तो मिल जाएगा। खैर आज तो मैं वो एआई का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सीधा सीधा आपसे बात करके ही। अच्छा पहले मुथम्मा जी जरा अपने बारे में बताइए और मैंने जो कहा उसका जरा पहले ट्रांसलेशन कर दीजिए। ఇప్పటి వరకు ఎలాగున్నారు మీ గురించి చెప్పండి ప్రధానమంత్రి గారికి. ఇప్పుడు మీరు ముందు ఎలా ఉండేవాళ్ళు చెప్పండి. ఇంతకు ముందు రోడ్డు మీద చెత్త ఎరుకొని బతికేటి వాళ్ళం సార్ మేము. నేను నాకు
భర్త నాకిద్దరు పిల్లలు సార్. రోడ్డు మీద మనుషుల్లాగా మేము లేం సార్. మరీ గలీజీ బతుకు సార్ మాది. అసలే మా బతుకల గురించి మేము చెప్పుకోవాలంటే చెప్పుకోలేని పరిస్థితి సార్. నా పిల్లలు, నేను రోడ్డు మార్జింగ్లో వాన లేదు, ఎండ లేదు, అలాంటి చోట్ల నుంచి ఈరోజు నేను ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నానంటే నాకు సంతోషం ఉంది సార్. నమస్తే ప్రధాన మంత్రిజీ. మేరా హమ్ పహలే జిందగీ మేతే ఐసా గుజర్ రహే తే కి సడక్ పర్ సాఫ్ సుధార్ కర్కే కూడే నికాల్ కే అప్నే బచ్చోం కే సాథ్ ఐసా జీవన్ బీత్ లియాతా హై కి కూడే నికాల్నా వర్షా మే భీ హో యా ధూప్ మే భీ హో ఏ కామ్ కర్కే ఇత్నా బిగడ్ కమ్ నజర్ సే దేఖే హుయే తే హమ్కో హమ్ ఇత్నీ బర్బాద్ జిందగీ జీ రహే హై जिए थे. मुतम्मा जी आप बहुत भावुक हो गई, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तो आप लोगों की प्रेरणा बन गई हो. अथा जी आपका जो सेप्टिक टैंक व्हीकल का काम चल रहा है वो कैसा चल रहा है? मुतम्मा गारू मीकु इच्चिन आ मिशन एला पनि चेस्तुंदि, मीरु एला चेस्तुन्नारु? ఆ మిషన్ వచ్చింది సార్ మీ దయ వల్ల. నాకు మిషన్ వచ్చింది లోన్ వల్ల. ఏంది దాన్ని లోను నా పేరు వచ్చగానే నాకు సంతోషం వచ్చింది సార్. కానీ మనకు చదువు లేదు, దాన్ని క్యారీ పేరు చెప్పలేను. కానీ మొత్తం ఆ లోన్ వచ్చిన కాడి నుంచి నాకు కొంచెం సంతోషం వచ్చింది సార్. మాకు కూడా రోడ్డు మీద ఉన్న వాళ్ళకి మాకు కూడా విలువ ఉంది జనంలో అనుకొని ఒక సంతోషం వచ్చింది సార్ నాకైతే. కేంద్ర సర్కారీ ఓర్సే ఉద్యమ యోజన స్వచ్ఛత యోజన సే మిలి ఉస్ మిషన్ అనేకే బాద్ మనీ సెప్టిక్ ట్యాంక్ శుద్ధికరణే వాలి మిషన్ మిల్ గయేన సర్. వో మేరే నామ్ పర్ ఆయా యే దేఖకర్ ముజే బహుత్ ఖుష్ హువా సర్. తబ్సే హమారే జిందగీ బహుత్ అచ్చీ తరహ చల్ రహీ సర్. అచ్చా ముతమ్మా జీ, సెప్టిక్ ట్యాంక్ కీ డీ స్లజింగ్ వీకల్ इसकी मंजूरी मिलने के पहले और बाद के जीवन में अंतर कैसे देखती हैं आप? मुत्तम्मा गारू इधर राक मुंदु मी जीवित मेला उंदी, इधर चिनाक मी जीवित मेला उंदी? इधर राक मुंदे ते मा जीवित माग में माग के नमक लेने जीवित सा. इपुरी सप्ती की टैंक वचिना का ना जीवित मेला नाक नमक वचिन सा. इन्ता मंदिलो नेनु तालेत कोनी बतक गालनो नाक वोका नमक वचिन सा. సార్ ఏ ఆనేకే పహలే మేరే జిందగీ బహుత్ బిగడ్ హుయీ సార్. కమ్ నజర్ సే దేఖ రహే హై ఏ ఆనేకే బాద్ ఐసా భరోసా మిల్ గయా హై కి సబ్ లో హమ్కో అచ్చీ నజర్ సే దేఖ రహే హై. మై భీ ఏక ఔరత్ హూ, మై ఇస్ సమాజ్ మే జీ సక్తీ హూ, ఐసీ భావనా మిల్ గయీ కేవల్ ఆప్కీ వజహ సే సార్. పరివార్ మే బాకీ లోగ్ భీ ఖుష్ హోంగే, బచ్చో కి పఢాయి భీ హోతీ హోగీ, పూరా వాతావరణ బదల్ గయా హోగా. నీ జీవితంలో ఎటువంటి పరివర్తన వచ్చింది? మీ పిల్లల్ని ఎలా చదివించుకుంటున్నారు ఇవన్నీ చెప్పండి సార్. నా పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదివించుకుంటున్నాను సార్. గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదివించుకుంటున్నాను. ఏమన్నా ఇప్పుడు మీరిచ్చిన బండికి వెళ్ళి ఆ బండి కాడ చిన్న 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 డ్రైవింగ్ లాగా నేనే నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను సార్. ఆ బండి నేర్చుకొని నేనే తోలాలి. నాకనేది నమ్మకం, నా ఇది నా బండి, నా సొంతం బండి, నేనే నడపాలి సార్. అంత నమ్మకం మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి మీకు ధన్యవాదాలు సార్. నేను మేరీ బచ్చోంకో సర్కారీ స్కూల్ మే భేజ్ రహీ హూ సార్. మై హీ స్వయం డ్రైవింగ్ సీకర్, మేరీ గాడీకో మై హీ చలాకర్ మేరీ బచ్చోంకో నయి జిందగీ దిలానా చాతీ హూ. ఆప్కీ వెహికల్ కే ద్వారా హమ్ బహుత్ ఖుష్ హై సార్. హమారీ తరఫ్ సే కేంద్ర సర్కార్ కో ఆప్కో బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్ హై సార్. ముతమ్మా జీ, क्या आपको सरकार की किसी और योजना का भी लाभ मिला है क्या? मुत्तम्मा गारू मीकु भारत सरकार निंची इंका एमैना लभिंचनिया? लभिंचिंदि सर्. आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बैंक कार्ड, एंदि गैस, इप्पुडु ई बंडी सर. 17 लक्षल बंडिकि ई रोजु नेनु ओनर अय्यानु सर्. अदि मी दय वल्ल सर. सर हमको భారత సర్కార్ కి ఓర్ సే రేషన్ కార్డ్ మిలా, ఆధార్ కార్డ్ మిలా,
और जीरो अकाउंट बैलेंस का अकाउंट मिला और गैस भी मिला। इनके साथ साथ आपने दिए गए 17 लाख का ये व्हीकल मिल गया सर, ये तो आपकी वजह से मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको। चलिए मुथम्मा जी, आपका आत्मविश्वास देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। आपके और आपकी टीम द्वारा किए गए सराहनीय, और ये मेरा सबसे प्रिय विषय स्वच्छता, आप उसको अब आगे बढ़ा रही हैं, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आपने बताया कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आए हैं। हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों से नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए ही काम कर रही है। नारी का सम्मान और समृद्धि दोनों ही हमारे संकल्प का हिस्सा है और आपका जीवन इसका उदाहरण है। आपको, आपकी टीम को और पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं अभी जो भाषण करूंगा वो हिंदी में करूंगा, लेकिन अगर आपको कोई वहां होंगे तो बाद में घर जाकर के मोबाइल फोन पर आप तेलुगु में ही मेरा भाषण सुन पाओगी, तो जरूर सुनिएगा आप सब लोग। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जरूर सुने, जरूर सुने। अब मैं, नमस्कार सर, अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। सामाजिक न्याय मंत्री श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, देश के कोने कोने से जुड़े सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज इस कार्यक्रम में देश के करीब 470 जिलों के लगभग 3 लाख लोग सीधे जुड़े हुए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। जब वंचितों को वरीयता की भावना हो तो कैसे काम होता है वो इस आयोजन में दिखाई दे रहा है। आज वंचित वर्ग से जुड़े 1 लाख लाभार्थियों के खाते में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधी सीधी उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई है। ये लाभार्थी 500 से ज्यादा जिलों में उपस्थित हैं। पहले की सरकारों में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इधर बटन दबाया और उधर पैसे गरीबों के बैंक खातों में पहुंच गए, लेकिन ये मोदी की सरकार है। गरीब के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में पहुंचता है। अभी मैंने सूरज पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके जरिए वंचित समुदाय के लोगों को अब सीधे आर्थिक सहायता दी जा सकती है, यानी भारत सरकार की दूसरी योजनाओं की तरह ही विभिन्न अन्य योजनाओं का पैसा भी सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। न कोई चीज का बिचौलिया, न कट, न कमीशन, और न ही कोई सी सिफारिश के लिए चक्कर काटने की जरूरत। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले
हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आज पीपीई किट्स और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन्हें और इनके परिवार को अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो गया है। ये लाभकारी योजनाएं उस सेवा अभियान का ही विस्तार है जो हमारी सरकार 10 वर्षों से एससी एसटी और ओबीसी और अन्य वंचित समाज के लिए चला रही है। मैं आप सभी को और देश भर के सभी लाभार्थियों को इन योजनाओं के लिए बधाई देता हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लाभार्थियों से बात करने का अवसर भी मिला। सरकार की योजनाएं किस तरह दलित, वंचित और पिछड़ा समाज तक पहुंच रही है, इन योजनाओं से किस तरह इनका जीवन बदल रहा है, ये सकारात्मक बदलाव मन को भी सुकून देता है। और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भावुक भी करता है। मैं आप सबसे अलग नहीं हूं, मैं आप में ही अपना परिवार देखता हूं। इसलिए जब मुझे विपक्ष के लोग गाली देते हैं, जब ये लोग कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो मुझे सबसे पहले आपकी ही याद आती है। जिसके पास आप जैसे भाई बहन हैं, उसे कोई कैसे कह सकता है कि उसका कोई परिवार नहीं है। मेरे पास तो आप सबके रूप में करोड़ों दलितों, वंचितों और देशवासियों का परिवार है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं जब आप कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार। साथियों, हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के का जो संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, और जो वर्ग दशकों तक वंचित रहा, उसके विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। कांग्रेस की सरकारों ने देश के विकास में वंचित वर्ग के महत्व को कभी समझा ही नहीं था, उनको परवाह ही नहीं थी। इन लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सुविधाओं से वंचित रखा। देश के करोड़ों लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसा एक माहौल बन गया कि भाई ये योजनाएं, ये लाभ, ये जीवन तो उनके लिए है, हमारे लिए तो नहीं, हमें तो ऐसे ही मुसीबतों में जीना है। ये मानसिकता बन गई और इसके कारण सरकारों के खिलाफ शिकायत भी नहीं रही। मैंने उस मानसिक दीवार को तोड़ दिया है। अगर आज अच्छे घरों में गैस का चूल्हा होगा, तो वंचित के घर में भी गैस का चूल्हा होगा। अगर अच्छे अच्छे परिवारों के बैंक के खाते होंगे, तो गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, आदिवासी का, उसका भी बैंक खाता होगा। साथियों, इस वर्ग की कई पीढ़ियों ने अपना जीवन मूलभूत सुविधाएं जुटाने में ही गंवा दिया। 2014 में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के विजन के साथ काम करना शुरू किया। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद छोड़ दी थी, सरकार उनके पास पहुंची और देश के विकास में उन्हें भागीदार बनाया। आप याद करिए साथियों, कितनी मुश्किल होती थी पहले राशन की दुकान से राशन पाने में, और ये मुसीबत कौन झेल रहा था, वो कौन लोग थे,
जिन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी, ये मुसीबत झेलने वाले या तो हमारे दलित भाई बहन होते थे, या हमारे पिछड़े भाई बहन होते थे, या हमारे ओबीसी भाई बहन होते थे, या हमारे आदिवासी भाई बहन होते थे। आज जब हम 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा लाभ जो हाशिए पर जिंदगी गुजारते थे, जो वंचित समाज है, उन्हीं को मिलता है। आज जब हम 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी देते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में इन्हीं भाई बहनों को जीवन बचता है, उन्हीं को मुसीबत में काम आता है। छप्पर, झोपड़ी और खुले में रहने को मजबूर हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा परिवारों की संख्या ही सबसे ज्यादा है देश में, क्योंकि भूतकाल में इन लोगों की किसी ने परवाह नहीं की। मोदी ने 10 वर्षों में करोड़ों पक्के मकान गरीबों के लिए बनाए, मोदी ने करोड़ों घरों में शौचालय बनवाए। वो कौन परिवार थे जिनकी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था? यही समाज सबसे ज्यादा पीड़ा भुगतता था, जो हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, वंचित परिवार, इनकी महिलाओं को ही सहना पड़ता था। आज उन्हें इज्जत घर मिला है, उन्हें उनका सम्मान मिला है। साथियों, आप भी जानते हैं कि गैस का चूल्हा पहले किन घरों में होता था, गैस का चूल्हा किसके पास नहीं होता था, सबको पता है। मोदी ने उज्ज्वला योजना चलाकर मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। ये मुफ्त गैस कनेक्शन मोदी जो लाया, वो किसको मिला? आप सभी मेरे वंचित भाई बहनों को मिला है। आज मेरे वंचित वर्ग की माताओं बहनों को भी लकड़ी के धुएं से आजादी मिली है। अब हम इन योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य पर काम करें, मतलब 100%, अगर 100 लोगों को लाभ मिलना चाहिए तो 100 के 100 को मिलना ही चाहिए। देश में बड़ी संख्या में घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लोग भी हैं, उनके कल्याण के लिए भी तो कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नमस्ते योजना के जरिए सफाई कर्मचारी भाई बहनों का जीवन बेहतर हो रहा है। हम मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को खत्म करने में भी सफल हो रहे हैं। हम इस दंश को झेलने वाले लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था भी बना रहे हैं। इस प्रयास के तहत लगभग 60,000 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी, वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए हमारी सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। विभिन्न संस्थाओं से वंचित वर्ग को जो मदद मिलती है, इन 10 वर्षों में हमने उसे 2 गुना किया है। अकेले इसी साल सरकार ने एससी समाज के कल्याण के लिए करीब 1,60,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पिछली सरकार में लाखों करोड़ रुपए केवल घोटालों के नाम से सुनने में आते थे। हमारी सरकार ये पैसा दलित, वंचित कल्याण के लिए और देश के निर्माण के लिए खर्च कर रही है। एससी, एसटी और ओबीसी समाज के युवाओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप को भी बढ़ाया गया है। हमारी सरकार ने मेडिकल की सीटों में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू किया। हमने नीट की परीक्षा में भी ओबीसी के लिए रास्ता बनाया। वंचित समुदाय के जो बच्चे विदेश जाकर मास्टर और पीएचडी डिग्री हासिल करना चाहते हैं,
उन्हें नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप से मदद मिल रही है, साइंस से जुड़े विषयों में पीएचडी करने वाले छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल फेलोशिप की राशि भी बढ़ाई गई है। हमें इस बात का संतोष है कि हमारे प्रयासों से नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा मिला है। हम इसे भी अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें बाबा साहब आंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों के विकास का अवसर मिला है। साथियों, वंचित वर्गों के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के भी भाजपा सरकार प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार की मुद्रा योजना के तहत गरीबों को करीब 30 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ये मदद पाने वाले ज्यादातर युवा एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के ही है। स्टैंड अप इंडिया योजना से एससी और एसटी वर्गों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला है। इस वर्ग को हमारे वेंचर कैपिटल फंड स्कीम से भी मदद मिली है। दलितों में एंटरप्रेन्योरशिप को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने आंबेडकर सोशल इनोवेशन और इंक्यूबेशन मिशन भी लॉन्च किया है। साथियों, हमारी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ दलित, आदिवासी, ओबीसी जो हमारे यहां हाशिए पर है, वंचित समाज है, उनको ही मिला है। लेकिन मोदी जब दलित वंचित समाज की सेवा के लिए कुछ भी करता है तो इंडी गठबंधन वाले लोग सबसे ज्यादा चिढ़ जाते हैं। कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जीवन आसान बने, वो तो आपको बस तरसा कर ही रखना चाहते हैं। आप किसी भी योजना को देखिए, इन्होंने आपके लिए शौचालय बनवाने का मजाक उड़वाया, इन्होंने जनधन योजना और उज्ज्वला योजना का विरोध किया। जहां राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कई योजनाओं को इन्होंने आज तक लागू नहीं होने दिया। ये जानते हैं कि दलित, वंचित, पिछड़ा ये सारे समाज और वहां के युवा अगर आगे आएंगे तो इनकी परिवारवादी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। ये लोग सामाजिक न्याय का नारा देकर समाज को जातियों में तोड़ने का काम तो करते हैं, लेकिन असली सामाजिक न्याय का विरोध करते हैं। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए, इसी कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर का विरोध किया था। इन्होंने लोहिया और बीपी मंडल का भी विरोध किया था। कर्पूरी ठाकुर जी का भी इन लोगों ने हमेशा निरादर किया, और जब हमने उन्हें भारत रत्न दिया तो इंडी गठबंधन के लोगों ने उसका भी विरोध किया। अपने परिवार के लोगों को तो ये लोग खुद भारत रत्न देते हैं, लेकिन बाबा साहब को इन्होंने कई दशक तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया था। उन्हें ये सम्मान भाजपा के समर्थन वाली सरकार ने दिया। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी और आदिवासी समाज से आने वाली महिला बहन द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने। इन्हें चुनाव हरवाने के लिए इंडी गठबंधन के लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। शीर्ष पदों पर वंचित वर्ग के लोग पहुंचे, इसके लिए भाजपा का प्रयास जारी रहेगा। ये वंचितों को सम्मान और न्याय दिलाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मोदी आपको यह गारंटी देता है, आने वाले 5 वर्षों में वंचित वर्ग के विकास और सम्मान का यह अभियान और तेज होगा। आपके विकास से हम विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में इतने स्थानों पर आप सबका इकट्ठा होना,
और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिला, ये अपने आप में मेरे लिए सौभाग्य है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।